मेरे घर की गौ माता 15 दिन से बीमार पड़ी है, बिना कुछ खाए पिए, लंपी रोग से ग्रसित, उसके बड़ी बड़ी गांठें घुमड़ियां हो गई है, जिसमें मवाद पड़ गया और कीड़े पड़ गए हैं। जब वो इतनी तड़प रही थी तो मेरे से दर्द देखा नहीं गया। मैंने कहा, हे गाय माता, अब तू प्राण त्याग दे तो मुझे भी थोड़ी तकलीफ कम हो और तुम्हारी भी आत्मा को शांति मिले। लेकिन गाय ने जो उत्तर दिया वो मुझे और दुखी करने वाला था। गाय ने कहा, मैं प्राण क्यों नहीं त्याग रही हूं, बताया कि मुझे तो मंजूर है, लापी से लड़ जाना, लड़ते लड़ते सड़ जाना और सड़ते सड़ते तड़प तड़प कर मर जाना, लेकिन मरते मरते मुझे चिंता है उन सब की जो वर्षों से मेरे नाम से कमा कर खा रहे हैं, चंदे के धंधे से अपना घर चला रहे हैं। मेरी मौत के बाद उन सब का क्या होगा? अगर मैं मर गई तो तुम्हारा क्या होगा? अगर मैं मर गई तो तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा हर दुकान में मेरे नाम का डिब्बा रखने वालों, हर बस में गौशाला का डिब्बा लेकर चढ़ने वालों, ब्याह शादी में गोदान के नाम परसेंट काटने वालों, गौ माता के सहायतार्थ कूपन बांटने वालों, जागरण में गौ माता के नाम चंदा जुटाने वालों और हरि कथा में गौ माता के नाम रुपए लुटाने वालों, तीर्थ स्थानों में गौ माता के नाम दान खाने वालों और बड़े बड़े मंचों पर गौ सेवक का सम्मान पाने वालों, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल गाने वालों, मेरी मौत के बाद तुम्हारा क्या होगा? अगर मैं मर गई तो इन सब का क्या होगा? गौशाला से इनकम टैक्स के दाम बचाने वालों, गौशाला का सरकारी अनुदान उठाने वालों, गौशाला के बहाने गोचर जमीन दबाने वालों और गौशाला विकास के नाम पर चंदा उगाने वालों, गौशाला के गौशाला में गाय लाने पर दाम मांगने वालों और लावारिस गाय को लेने से इनकार करने वालों, अगर मैं नहीं बची तो फिर तुम्हारा क्या होगा? अगर मैं मर गई तो इन सब का क्या होगा? क्या होगा गाय के नाम पर जनता से दान उठाने वालों, गाय के नाम हरा चारा गुड़ तेल खाने वालों, गौ ग्रास के नाम पर हर पर्व में रुपए पाने वालों और गौ दान संकल्प के पैसे जेब में टूसने वालों, यज्ञ हवन पूजा में गोदान चूसने वालों और गाय रक्षार्थ रसीद काटकर नाम भूलने वालों और गौ शेष लगाकर स्टाम्प पर दाम वसूलने वालों, अगर मैं मर गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा? अगर मैं ना बची तो इन सब का क्या होगा? अरे क्या होगा गो मांस पर बेन के लिए लंबी फेंकने वालों, कत्ल खानों पे राजनीति की रोटी सेकने वालों, गोमूत्र से असाध्य रोग का उपचार बताने वालों, गोबर से शुद्धि का संसार चलाने वालों, गाय पर हाथ फेरने से उद्धार बताने वालों, पूछ पकड़कर वेतरनी पार लगाने वालों, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताने वालों और गो माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने वालों, अगर मैं ना बची तो फिर तुम्हारा क्या होगा? अगर मैं मर गई तो इन सब का क्या होगा? अरे क्या होगा, ये सिर्फ मैं नहीं मर रही हूं, मेरे साथ तुम सब की रोजी रोटी और कारोबार मर रहा है, मुफ्त की चांदी चाटने वालों तुम सब का रोजगार मर रहा है। अगर मैं मर गई तो नेताजी गाय के नाम पर वोट कैसे मांगोगे? अगर मैं मर गई तो पंडित जी गौ माता के नाम पर दान कैसे मांगोगे? अगर मैं मर गई तो दूधियों नकली दूध के लिए दही छाछ कहां से लाओगे? और अगर मैं मर गई तो हलवाइयों मिलावटी मावा और पनीर कैसे बनाओगे? अरे अगर मैं मर गई तो मांसाहारियों फिर बीफ के लिए किसे काटोगे? और अगर मैं मर गई तो तुम सेक्युलरों हिंदू मुस्लिम को कैसे बांटोगे? अरे अगर मैं मर गई तो मरीजों तुम्हारे लिए दूध की आवक मंद हो जाएगी। और अगर मैं मर गई तो गाय के नाम पर चलने वाली सारी दुकानें बंद हो जाएगी, फिर क्या होगा? मैं माँ हूं ना, मैं देख रही हूं बेबस आंखों से मरते मरते, याद आ रहा है समय बीता बीता मरते मरते, मैं देख रही हूं बेबस आंखों से मरते मरते, मुझे याद आ रहा है समय बीता मरते मरते, फिर भी दुआ निकल रही है तुम सबके लिए मरते मरते, और मैं चिंता कर रही हूं तुम सब की मरते मरते कि अगर मैं मर गई तो तुम्हारा क्या होगा, अगर मैं नहीं बची तो इन सब का क्या होगा। दोस्तों गाय माता को बचाने के लिए कोई सरकार नहीं आ रही है, अब तो कान्हा भी नहीं आ रहा है, तेजा जी बाबू जी हड़बू जी कोई नहीं आ रहे हैं, गोगा जी नहीं आ रहे हैं, तो आप हम में से किसी को गो सेवा का संकल्प उठाना होगा। गाय माता को बचानी होगी, संस्कृति को बचानी होगी। आपको मेरी कविता पसंद आए तो आप जरूर लाइक और कमेंट करके बताए।